नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओमालू पर। इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहिए जैसे आप जुड़े हुए हैं। यदि आप जुड़े हुए नहीं हैं तो कृपया जुड़िए, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। हम इस बात के लिए प्रोत्साहित होंगे कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकें। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ वीर्य वृद्धि करने का उपाय। आज के समय में जहाँ तनाव बहुत अधिक है, जहाँ पति पत्नी का मिलन नहीं हो पाता है, जहाँ पर समस्याएं आती हैं, तो बहुत सारी समस्याएं तनाव की वजह से आती हैं। और बाकी आजकल का खाना भी बस ऐसा ही हो गया है, तो फिर मिलन के बाद भी कई बार परिणाम नहीं आते। वीर्य वृद्धि होगी तो आपको इसमें परिणाम देखने की उम्मीद है। तो मैं आपको बताता हूँ वो तरीका कि आपको परिणाम मिले। तज, इलायची, काली मिर्च, कपूर, लौंग और जावित्री के पत्ते जो होते हैं उन्हें मिलाकर अच्छी तरह पीस लें। ध्यान रखें कि केवल जावित्री के पत्ते प्रयोग कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें जैसे बताई वैसे लेनी है। फिर इसमें 20 भाग घी डालें, यानी जितना ये बना उससे 20 गुना घी। घी मिले इस मिश्रण को आप देसी अंडे ले लें, हमारी राय उन अंडों को तोड़ लीजिए, ठीक है, और उसके साथ मिला लीजिए। यानी कि वो आपने जो बनाया मिश्रण और अंडों का जो लेप है वो करीब करीब बराबर मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद ये पूरा मिश्रण जो आपने अंडों के साथ मिला लिया, अंडों के अंदर के पदार्थ के साथ जो होता है और जो आपको पदार्थ बताया उनके साथ मिला लिया, उसके बाद 3-4 कपड़ों की तह में ये पेस्ट डाल के अच्छी तरह छान कर थोड़ा दबाना पड़ेगा छानने के लिए कपड़े को बंद करके, जैसे इमरती या जलेबी बनाई जाती ऐसा कुछ समझ लें। वो अर्क निकलेगा, वो अर्क रोज एक चम्मच पीने सोने से पहले तो बहुत ज़्यादा ये आपको वीर्य वृद्धि करेगा और शरीर में जो वात विकार हैं, वायु से विकार हैं, उन्हें भी दूर। तो मित्रों, ये था वीर्य वृद्धि का उपाय। अंत में हम आपसे फिर से अनुरोध करेंगे, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम ओम आलोक। फिर मिलेंगे किसी और क्लिक पर। नमस्कार।